नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी देखिए शाम का समय है, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ लेके तरबूज, और तीनों मेरी मूर्तियाँ भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। मानसी, माही, नैन्सी तीनों बैठी हुई हैं यहीं पे। तो ये लोग सोच रहे हैं मम्मी कब काट के दे और कब खाए। तो ये सुबह ही आया था, तो मैंने इसको रख दिया था कि ठंडा हो जाए, क्योंकि ये यहाँ लगाए रहते हैं ना दुकान वाले, तो धूप में रहती है, या फिर इसको पानी में डाल देती हूँ या फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने इसको पानी में ही डाल के ऐसे ही रख दिया था, छोड़ दिया था कि ये ठंडा हो जाए, तो बस ऐसे ही ये पड़ा था। और अभी ठंडा हो चुका था, दोपहर में मैंने नहीं दिया। दोपहर में खाने से बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये पूरा इसमें पानी पानी रहता है, और बच्चे ना फिर दोपहर में घर में टिकते नहीं हैं, पूरा दिन खेलती रहती हैं और भागती रहती हैं इधर उधर, तो ये लोग घर पर टिकती नहीं। इसलिए मैं दोपहर के समय नहीं देती हूँ धूप में, कि ये लोग अभी खा लेंगी और खेलेंगी इधर उधर, तो तबीयत ख़राब होने का डर है इन लोगों का। इसीलिए शाम के समय मैंने इसे काटा हुआ है, और तीनों यहीं पे बैठी हुई हैं। तो दो तरबूज यहाँ पे है, और ये ना छोटा वाला तरबूज है, आप लोगों को बड़ा छोटा छोटा सा दिख रहा होगा ना, ये छोटा वाला है। तो ये बहुत मीठा रहता है और लाल भी रहता है। जो बड़े वाले होते हैं ना, वो कभी कभी कोई कोई ख़राब निकल जाते हैं, तो इसीलिए इसको लेके आए हैं अब की बार माही के पापा। तो मैंने सोचा इसको काट के फिर रख देती, एक काट के इन सबको दे देती हूँ, ये लोग खा लेंगे, फिर ये लोग हट जाएंगी, तो मैं दूसरा वाला काटूंगी, फिर खाएंगे हम लोग। तो मैंने इन सब को दे दिया, ये लोग खा रहे। और जब ये लोग खा चुकी थी ना, तब मैंने दूसरा वाला काटा और उसको देखा, तो वो क्या था, वो ख़राब निकल गया था, पूरा ख़राब निकल गया था। जैसे बैठ नहीं जाता है, बैठ सा जाता है, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जैसे बैठ सी जाती है। तो मैं उसको काटने के लिए बैठी, और इसके माई के पापा भी यहीं पर बैठे थे, तो हम लोग अच्छे से लेके बैठे खाने के लिए। देखा तो हम लोगों का जो है पत्ता ही खसक गया, मतलब पत्ता ही साफ कर दिया इन तीनों बहनों ने मिल करके। और अभी देखिए सुबह सुबह का समय है, कल शाम का था वो, और ये अभी सुबह का समय है। तो मैं जाने वाली हूँ, कहीं जाने के लिए तैयार हूँ। आज बृहस्पतिवार है, तो दुर्गा माता की पूजा है, मोहल्ले की एक चाची जी हैं, तो वहीं का न्योता मिला है, वहीं जाना है मुझे। बस बाबू को लेके मैं टहला रही थी, और एक जन है जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि आप हल्का हल्का तुतलाती हैं क्या। उन्होंने ऐसे ही पूछा मुझे कमेंट में। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप बुरा मत मानिएगा, मुझे लगा मैंने पूछ लिया, तो पता नहीं मैं ऐसे ही बोलती हूँ, शायद आपको लग रहा है कि मैं तुतुलाती हूँ, तुतुलापन आता है मेरी आवाज़ से, तो शायद आपको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और आज तक मुझसे किसी ने कहा भी नहीं कि मैं तुतुलाती हूँ, तो मुझे नहीं पता है, शायद आपको ऐसा सुनने में लग रहा होगा। तो अभी जाती हूँ दुर्दुर्गा माता की पूजा में, फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, और वहाँ से आने के बाद ही मैं यहाँ पे आई थी। फिर चाची, मोहल्ले की चाची जी हैं, तो वहाँ से आने के बाद जो प्रसाद मिला था ना, उसको मैं रख दी थी ला करके। और रखने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई थी हाथ पैर धुलने के लिए। हाथ पैर धुलने के बाद कपड़े बदलूँगी और यहाँ से सीधे जाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी, क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज़ी से। और जो साड़ी मैंने पहनी है ना, यही वाली पहन कर गई थी उस समय, आप लोगों ने देखा था जब मैं तैयार हो रही थी। और अभी मैंने इस साड़ी का ना आँचल कितना बड़ा सा किया हुआ है, आँचल मैंने जानबूझ कर बड़ा किया था। आप लोगों को लग रहा होगा ना आज बड़ा बड़ा सा आँचल, कि बहुत बड़ा सा लग रहा है आँचल, तो वहाँ जाओ ना, जो प्रसाद मिलता है ना, उसको आँचल में लेना चाहिए, आंचल में ही लेना चाहिए, और किसी चीज़ में आप नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए ना मैंने आंचल बड़ा किया हुआ था, तो बड़ा लग रहा है। अभी जा रही हूँ, कपड़े बदलूंगी और फिर खाना खाऊंगी, फिर आप लोगों से बातें करूंगी। तो अभी हम आ चुके हैं पूजा से, और सान माई की पूजा थी, जहाँ पे सुहागनी बैठ कर दुदुरिया चबाती है ना, वही वाली पूजा है। और हमारे ना लिपस्टिक फैल के ऑटो में लग गया, क्योंकि जहाँ अभी हम गए थे ना पूजा के लिए, वहाँ चाचा और चाची दोनों जन पूजा में बैठे थे। तो चाचा जी हैं ससुर, तो हम ना मुंह बंद करके बैठे थे, मतलब घूंघट करके बैठे थे, तो पसीना पूरे मुंह में आ गया, और उसी की वजह से लिपस्टिक फैल गई। और पैरों में ना कलर लगाया जाता है वहाँ जाओ तो, पूजा में बैठो तो वहीं ये वाला कलर है हाथों में लगा हुआ है, सब जन ने लगाया है, सभी जन को लगाना चाहिए। तो बस अभी आ गए हैं वहाँ से, और अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि ना खाना ना पानी कुछ भी नहीं खा के गए थे। और आते ही ना बाबू रो रहा था, तंग कर रहा था, मैंने उसको सुला दिया है अभी, और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और खाना भी अभी हमने नहीं खाया है,
बस वहीं पूजा में बैठते हैं तो जो प्रसाद मिलता है ना उसी को खा करके पानी पिया जाता है। बस खा करके हमने पानी उसी को पिया है। अब चल रहे हैं खाना खाने और भूख बहुत तेज़ी से लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भूख के मारे। तो बस अभी खाना खाने के लिए चल रहे हैं और आप लोग भी खा लीजिएगा हमारे साथ खाना। तो चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। और हाँ, मुझे ना आप लोगों से एक बहुत बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं भूल ही जा रही थी आप लोगों से बात करना, और हर वीडियो में भूल जाती हूँ। अभी अचानक से मुझे याद आ गया है, एक क्या कई जन हैं जो हमारे पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, अभी नई वीडियो में उन लोगों का नहीं आ, अभी जो हमारी की वीडियो जा रही है उन सब में उन लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, पिछली जो वीडियो है उन सभी में कमेंट आ रहा है कि प्लीज़ आप अपने चैनल को बंद कर दीजिए, आप अपने चैनल को बंद कर दीजिए और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कीजिए और अपने बच्चों की परवरिश कीजिए अच्छे से, चैनल को बंद कर लीजिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या चैनल को मेरे बंद करने से मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश हो पाएगी, अच्छे से मैं उनका देखभाल कर लूँगी? मैं उन्हीं के लिए ही यहाँ पर आई हूँ और कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। कितनी बार मैं बोलूँ इस बात को, जितना बोलूँगी उतना ही कम होगा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। बस अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, खुद से चार पैसे कमाना चाहती हूँ। बस इसीलिए यूट्यूब पे आई हूँ और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग मुझे आगे पढ़ाइए, अपना प्यार दीजिए। मेरे जो अच्छे अच्छे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मुझे कितना हौसला मिलता है, कितनी हिम्मत मिलती है आप सभी से। और आप लोग जो ये 10 मिनट की मेरी वीडियो देखते हैं ना, वो आप लोगों के जीवन का जो 10 मिनट मेरे लिए देते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आप लोगों को मैं जितना सम्मान दूँ कम ही होगा, तो हो सके तो अपने जीवन का 10 मिनट मेरे लिए दीजिएगा। आपका 10 मिनट मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, मुझे आगे बढ़ा सकता है, मुझे कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत किया कीजिए, मैं वीडियो बनाना नहीं बंद करूँगी और कुछ करना चाहती हूँ, यही आप लोगों से कहना चाहूँगी। तो ये देखिए, अभी मैं आ गई हूँ अंदर और मैंने कपड़े बदल लिए हैं। और ये माही है, बना था हलवा, जो बना था आप लोगों ने देखा था ना, वही हलवा है ये। तो सुबह कुछ खा के तो गई नहीं थी, फिर कुछ खा के नहीं जाना चाहिए, खा के गई थी, मैं ऐसे बोल रही हूँ बार बार, खा के नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ में गई थी। जब तक पूजा पाठ नहीं हो कुछ नहीं खाना चाहिए, चाय तक नहीं पीना चाहिए। तो और ये ना पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3.5 या 4 घंटे के आर पार हो जाता है, ऐसे ही टाइम लगता है। तो मैंने सोचा माही लेके आ गई थी, वह हलवा वाला डब्बा उसने कहा मम्मी मैं जा रही हूँ खाने, मैंने कहा लाओ मैं भी खा लेती हूँ, तुम लेके आ गई हो तो दोनों जन खा लेते हैं, फिर इसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो दोनों माँ बेटी बैठकर यहाँ पे खा रहे थे और अभी हम लोग खा के यहाँ पे मैं कुछ करने लगी थी। और यहाँ देखिए मैं बिस्तर पे, तो इन दोनों बहनों का काम शुरू था, देखिए दोनों क्या कर रही हैं, दोनों सज संवर रही हैं। माही मानसी साड़ी पहन, इनको दुपट्टा लेने का शौक लगा है, नैन्सी साड़ी पहन रही हैं। और ये दोनों, और नैन्सी को ना कुछ कुछ लोग पूछते हैं दीदी नैन्सी लड़का है या लड़की है, तो कुछ लोग शायद कन्फ्यूज हो जाते हैं नैन्सी को देख करके, क्योंकि ये लड़कों वाली हमेशा कपड़ा पहनती है ना, इसीलिए। तो नैन्सी ना मेरी बिटिया है और आगे मैंने छोटी सी बाबू के साथ क्लिप लगा दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जितना आभार करूं आप सभी का उतना ही कम होगा, क्योंकि वो आप लोग ही हैं जिनके वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ, जिन्हें की वजह से मुझे सहारा मिला है यूट्यूब पे, नहीं तो मैं हिम्मत ही हार चुकी थी। और आप सभी को पता है कि आप सभी के अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई भी मेरा यहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं खुद अपनी सपोर्टर हूँ और जो सपोर्ट करते हैं थोड़े बहुत मेरे पति सपोर्ट करते हैं,
हैं वो अभी तो उनको पता चल गया। मैंने बताया ही आप सभी को पहले ही कि जब उन्हें पहले नहीं पता था, अपने आप उनको पता चल गया था, तो अभी तो कुछ भी नहीं कहते हैं और वीडियो में भी आ जाते हैं। तो मेरा यहाँ कोई नहीं है कि कोई यूट्यूबर मेरा बड़ा यूट्यूबर मेरी हेल्प कर रहा है। मैंने कितने बड़े बड़े यूट्यूबर से हेल्प मांगे हैं, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। मुझे यहाँ पर डराया जा रहा है कि बंद करो चैनल, बंद करो। मेरी समझ में नहीं रहा कि मैं कौन सी इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ और मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया जिसकी वजह से मुझे चैनल बंद करने के लिए धमकी आ रही है, बंद करो चैनल, बंद करो चैनल। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है।